तुषार कपूर का खुलासा, डेब्यू के वक्त लोग देते थे सलाह, हिट होना है तो पार्टी में करो झगड़ा। एक इंटरव्यू में तुषार ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के बारे में कई राज खोले और बताया कि उन्हें एक न्यू कमर के तौर पर इंडस्ट्री के लोग ने किस किस तरह की अजीबोगरीब सलाह दी थी। तुषार कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें पार्टियों में लड़ाई करने का और यहां तक कि शाहरुख खान की तरह काम करने की सलाह दी गई थी, जबकि उन्हें ऐसी सलाह बेहद मजाकिया लगी थी। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया, अपने करियर की शुरुआती में मैं थोड़ा शांत टाइप का था, लोग मुझे अजीबोगरीब सलाह देते थे, जैसे पार्टियों में जाकर लड़ाई करो, फिल्म के किसी सीन में शाहरुख खान के जैसे एक्सप्रेशन बनाओ। एकता कपूर अपनी सुपर नेचुरल सीरीज नागिन जल्द ही सीजन 6 के साथ वीकेंड के स्लॉट पर शानदार वापसी करने की तैयारी कर रही हैं। कुछ महीने पहले वायरल हो रही खबरों के मुताबिक एकता ने रूबीना दिलैक को सीजन 6 की नागिन बनाने का फैसला लिया था, लेकिन ये खबरें सिर्फ एक अफवाह थी। एकता ने रूबीना दिलैक नहीं बल्कि नजर एक्ट्रेस नियति फतनानी का इस सुपरहिट शो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चयन किया है। दरअसल नागिन 6 के नए सीजन के लिए ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं और नियति फतनानी का लीड किरदार निभाना लगभग तय हो गया है। दरअसल सीरियल नजर में नियति ने सर्पिका का किरदार निभाया था, इसीलिए उनका पगड़ा बाकियों से भारी साबित हुआ है। नागिन का सीजन 4 और 5 टीआरपी पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। बार बार हो रहे लॉकडाउन, एक्टर को हुए कोरोना के चलते इन दोनों रीजन से मेकर्स ने जल्द ही पैक ऑफ कर दिया था। दरअसल नियति फतनानी का सीजन 5 के लिए भी विचार किया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने सुरभि चंदना और हीना खान जैसे बड़े चेहरे को फाइनल किया था, लेकिन लगता है नागिन के किरदार पर नियति का ही नाम लिखा हुआ था, इसीलिए इतने जल्द दोबारा उसे नागिन बनने का मौका मिल रहा है। वह भी इस किरदार को निभाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। नियति ने अपने करियर की शुरुआत बिग बॉस 14 के कंस्टेंट एजाज खान के साथ सोनी टीवी के मोह मोह के धागे सीरियल से की थी। नागिन सीरीज की बात करें तो अब तक मौनी रॉय, आदा खान, अनिता हसनंदानी, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुभि चंदना, रश्मि देसाई, करिश्मा तन्ना, जैस्मीन भसीन और हीना खान जैसे कई मशहूर अभिनेत्रियों ने शो में अब तक नागिन का किरदार निभाया है। डेब्यू करते ही इस सीरियल ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। करण जौहर के बाद अब शाहरुख खान की रेड चिलीज ने कार्तिक आर्यन को फ्रेंडी से बाहर किया। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत बन रही फिल्म फ्रेंडी से कार्तिक को निकाला गया है। इस फिल्म में कार्तिक और कैटरीना कैफ पहली बार नजर आने वाले थे। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कार्तिक को प्रोड्यूसर शाहरुख खान की फिल्म से हटाए जाने की मुख्य कारण भी वही है जो धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना 2 से निकाले जाने का रहा था। इस बार भी फिल्म साइन करते समय उसे मंजूरी देने के बाद भी कार्तिक चाहते थे कि स्क्रिप्ट बदल दिए जाए। कार्तिक ने रेड चिलीज को 2 करोड़ भी लौटाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक ने फ्रेडी के लिए मिली 2 करोड़ रुपए की साइनिंग अमाउंट भी रेड चिलीज को लौटा दी है। अब धर्मा प्रोडक्शन की तरह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को भी कैटरीना के अपोजिट एक नए एक्टर की तलाश करनी होगी। इस बीच कार्तिक के फ्रेंडी से बाहर होने की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है। कई यूजर्स का कहना है कि कार्तिक खुद अपने करियर को खतरे में डाल रहे हैं। बुधवार को नेटफ्लिक्स ने निर्देशक एस राजमौली की विशाल फिल्म RRR यानी रघुपति राघव राजा राम को सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद हिंदी से प्रसारित करने के अधिकार खरीद लिए हैं। खबर है कि नेटफ्लिक्स ने इसके लिए काफी मोटी रकम चुकाई है। एस राजमौली की फिल्म RRR 2 तेलुगु आदिवासी नेताओं अल्लूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम की कहानी है। फिल्म में रामचरण बने सीताराम और जूनियर NTR कोमा राम भीम के किरदार में नजर आएंगे।